करे। और जनाबे खदीजतुल कुबरा का जिसने निकाह पढ़वाया उसे अबू तालिब कहते हैं। तुम्हारी माँ है यार उम्मत की नदुल कुबरा, पहली जौजा है रसूल अल्लाह की, ये वो माँ है जिसने अपनी पूरी दौलत रसूल अल्लाह के दीन के लिए लगा दिया, पूरे दीन का। अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूब कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक माले खदीजा है, एक जरबे यदुल्ला है, एक सजदाए शब्बीरी। अल्लामा इकबाल ये बात कह गए कि एक माले खदीजा है, इस्लाम जो फैला है माले खदीजा से फैला। इतना दी मलका अरब थी जनाबे खदीजतुल कुबरा, मलका अरब थी, और उसका निकाह पढ़ाने वाले कौन, जनाबे अबू तालिब, और उनका मेहर देने वाले कौन, जनाबे अबू तालिब। हुजूर का निकाह हुआ 25 साल की उम्र में, अगर तुम मानते हो 40 साल की उम्र में नबी बने तो अल्लाह कुरान में नाजिल करता आयत कि ए महबूब अब अपना मोहर अपने बीवी को दीजिए या फिर से दोबारा निकाह कीजिए। क्यों? क्योंकि वो काफिर थे जो आपका निकाह पढ़वाया। शर्म नहीं आता बोलने से पहले कि तमाम जिंदगी को अल्लाह जिसकी कसम खाया कुरान में, ए महबूब आपकी पूरी जिंदगी की कसम, उस नबी की जिंदगी को 23 साल की जिंदगी को डिवाइड कर लेते हो, तो जनाबे अबू तालिब के घर तक आना पड़ेगा, क्योंकि ये बताएंगे मुस्तफा खाते कैसे थे, मुस्तफा पहनते कैसे थे, मुस्तफा उठते कैसे थे, मुस्तफा बैठते कैसे थे, मुस्तफा चलते कैसे थे, ये बताएंगे, ये बताएंगे, इनके अलावा कोई नहीं बताएंगे। घर वाला बताएंगे, घर वाला के अलावा कोई नहीं बताएंगे। 100% उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने तहकीक किया, फरमाया कि अल्लाह ने 500 से 600 से ज्यादा आयत मौला अली की शान में नाजिल की, और 5000 से ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के फजाइल बयान किए। वो मौला कायनात, क्यों ना हम अली के जिक्र करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि अपने मजलिसों को अली के जिक्र से सजाया करो। अपने मजलिसों को, जब सूरह मुनाफिकून नाजिल हुआ ना, सबको पता है कुरान में सूरह मुनाफिकून 29 पारा जब नाजिल हुआ ना कुरान में, तो अल्लाह के महबूब को अल्लाह कह रहा है कि ए महबूब देखिए आपके मजलिसों में बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह रसूल पर ईमान लाए और पीठ पीछे जाकर फिर आपका ही बुराई करते हैं, ये सूरह मुनाफिकून है, बुराई करते हैं। तो लोगों ने जब ये आयत पढ़ा ना तो एक खलबली समझ गया सहाबा इकराम में। अब हुजूर के बारगाह में सब गए, फरमाया या रसूल अल्लाह जब तक हम मक्का में थे तो हम पहचान जाते थे कि मुसलमान कौन है मुशरिक कौन है, अब ये 3rd person कौन आ गया मुनाफिक, अब इसे कैसे पहचाने, अब हम इसे कैसे पहचाने। तो हुजूर ने एक फॉर्मूला बताया जो आज तक फॉर्मूला काम करता है। नबी ने फरमाया कि जब भी तुम अपनी मजलिसों में बैठा करो तो जिक्र अली किया करो, जिसका दिल अली का जिक्र सुन के मुस्कुरा जाए समझ जाना मोमिन है, अली का जिक्र सुन के मुरझा जाए समझ जाना मुनाफिक है। नारे हैदर यारे, नारे हैदर यारे, नारे कंबरे यारे, नारे सफदरे यारे, नारे हैदर यारे। अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेंगे, अली उसे सिर्फ मुनाफिक पुक रखेंगे। जो अली अली करने से ज्यादा तकलीफ होता है ना, समझ जो मुनाफिक है। ये फॉर्मूला है, डीएनए है इस जमाने के लिए, हर जमाने के लिए, हर जमाने के लिए ये डीएनए। और इस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों पर बताकर चले गए। हुजूर ने हदीस फरमाया सही मुस्लिम में कि अली रोशन चेहरों वालों का इमाम है। अली रोशन चेहरों वालों के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा कि मेरी अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है, ये मुस्तकरुल हादिम है। और लोगों को अगर इस बात का अगर ये हो ना कि नमाज सब कुछ है, बेशक नमाज सब कुछ, नमाज जिंदाबाद, नमाज सब कुछ है, रोजा सब कुछ है, लेकिन वो नमाज वो रोजा बेकार है जिसमें अहले बैत की मोहब्बत, बेशक बेशक।